जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी के SSC फेज 11 आंसर की 2023 के बारे में, कि आंसर की आपको कैसे चेक करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है। एंड अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से भी अपनी आंसर की चेक या फिर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे द्वारा भी अपनी आंसर की चेक करा सकते हैं। उसके लिए कैसे कहाँ पर अपनी आपको जानकारी सेंड करनी है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आप खुद से अपनी आंसर की चेक या फिर डाउनलोड करेंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यहां पर अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपकी SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप देख सकते हैं 13 जुलाई का यहां पर ये नोटिस आया है जिसमें कि आपको आंसर की के बारे में बोला है कि आपकी आंसर की जारी कर दी है। आप लिंक के माध्यम से इसको चेक कर पाएंगे। और साथ ही अगर आप अपना कोई ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं, आपको लगता है कि जो आंसर आपने दिया वो सही है बल्कि वो सही नहीं है जो कि SSC ने आपको आंसर की के अंदर बताया है, तो आपका ऑब्जेक्शन यहां पर 13/7 से 16/7/2023 के बीच में लिया जाएगा और पर क्वेश्चन के लिए आपको ₹100 पे करने होंगे। अब चलिए बताता हूं कि कैसे आपको आंसर की चेक करनी है। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे और आप इसको ओपन करने के बाद में यहां पर आएंगे लास्ट में, तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 आंसर की चेक डाउनलोड लिंक ये ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर आपका रोल नंबर एंटर करेंगे जो कि आपका एडमिशन सर्टिफिकेट यानी कि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन था, और यहां पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे और इसके बाद में आप लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड आपका आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में जो आपके सामने इंटरफेस आएगा, अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहां पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बाय करने का बाय कर लीजिए। वो कुछ इस प्रकार का आएगा जैसे कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। मैंने ये एग्जाम नहीं दिया था और ना ही मेरे पास अभी किसी ऐसे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन है जिसने कि एग्जाम दिया हो, इसलिए मैं आपको आगे की जानकारी एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में दिखा रहा हूं, जिसका मेन पर्पज यही है कि आपको बताया जाए कि कैसे आप अपनी आंसर की चेक कर पाएंगे। अगर आप यहां पर सिंपल वे में अपनी आंसर की, जिसमें कि रेस्पॉन्स शीट आपको देखने को मिलेगा एक टैब, उसमें आपको आपकी आंसर की देखने को नहीं मिल रही है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। तो बेसिकली जैसे ही आप यहां पर लॉग इन कर लेंगे, तो लॉग इन करने के बाद में आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करके कैसे आंसर की चेक करनी है या डाउनलोड करनी है वो आप जान लीजिए। तो अगर आपने PC से इसको ओपन किया है तो आप इसमें Ctrl+U प्रेस करेंगे। Ctrl+U प्रेस करने के बाद में आपके सामने इसका सोर्स आ जाएगा। अगर पूरा सोर्स ओपन नहीं होता है तो आपको एक बार Ctrl+U करने के बाद में उस पेज को रिफ्रेश कर लेना है। पेज रिफ्रेश करने के बाद में आपको यहां पर क्या करना है, आपको Ctrl+F करना है और उसमें आपको DIGALM सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद में जहां जहां पर भी DIGALM है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आप यहां पर आएंगे और आपको यहां पर जो देखने को मिल रहा है ये URL, यहां पर https://scdigalm ये वाला आपको यहां से कॉपी करना है। आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में गाइज आप यहां पर एक न्यू टैब ओपन करेंगे उसी के उसी ब्राउजर में, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह से आपको ये HTML तक इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आप इसको एक न्यू टैब ओपन करेंगे और उसमें पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपकी आंसर की आ जाएगी। आप देख सकते हैं आपका रोल नंबर दिया है, आपका नेम दिया है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का सही आंसर SSC ने क्या दिया है और आपने क्या चूज किया था। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहां पर है, इसका जो सही जवाब है SSC के द्वारा वो दूसरा है और कैंडिडेट ने भी यहां पर दूसरा ऑप्शन ही चूज किया है। इसी प्रकार से यहां पर जो अगला सवाल है वो भी आप देख सकते
सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो सही जवाब है वो भी 4 है और कैंडिडेट ने भी यहाँ पर ऑप्शन 4 ही चूज किया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपके क्वेश्चन देख लेंगे कि किसका आंसर आपने क्या दिया है और सी ने वो आंसर क्या रखा है। जैसे कि इसमें जितने भी क्वेश्चन में देख रहा हूँ 5 नंबर तक 6 नंबर तक कैंडिडेट ने भी वही चूज किया है जो कि सही है और वेबसाइट ने यानी कि एसएससी ने भी वही वाला बताया है। तो आंसर की चेक करने के बाद में आपको बताने कमेंट के माध्यम से कि इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने सवाल सही आए हैं। जो भी आपके सवाल सही है वो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिएगा। अब अगर आप फिर भी अपनी आंसर की चेक या डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप मेरे द्वारा कैसे चेक कराएंगे, तो मैं आपको बताता हूं। जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये वाला, ये आपको ओपन करना है और सबसे लास्ट में आना है। यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका नाम लिखेंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर देना है क्योंकि यहीं पर आपको आंसर की पीडीएफ सेंड की जाएगी। मैसेज में आपको क्या जानकारी देनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसमें आपको आपका रोल नंबर देना है और जो आपका पासवर्ड है जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिखनी है। ये दो चीज तो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप में लिखनी है और तीसरा आपको नीचे लाइन लिखनी है एसएससी फेज 11 आंसर की 2023, क्योंकि मेरे पास और भी काफी सारे एग्जाम के आंसर की चेक करने की, रिजल्ट चेक करने की, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट आती रहती है। तो अगर आपने डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि यह जानकारी किसकी है और कहाँ पर चेक करनी है। इसलिए आपको यहाँ पर आपकी यूजर आईडी यानी कि आपका रोल नंबर, आपका पासवर्ड और साथ ही लिखना है एसएससी फेज 11 आंसर की 2023। देन गाइज आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो आंसर की चेक करके डाउनलोड करके आपके नंबर पर सेंड किया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।